कि आप महंगे महंगे क्रीम लगाएं। किचन में बहुत सारे ये कहाँ का प्रसाद दिया इतनी इतना थोड़ा सा प्रसाद क्या कर रही हो तुम हाथ में मेहंदी लगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, मैं हूँ पूजा और आप लोग का बहुत बहुत दिल से स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। अभी मॉर्निंग का टाइम है और अभी हम नाश्ता बना रहे हैं क्योंकि हमको आज निकलना है घर इसलिए क्योंकि भैया का कल इंगेजमेंट है। भैया मतलब मेरी मौसी के बड़े वाले बेटे हैं और हम सोचे थे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम कंफर्म नहीं थे। हम ड्रेस भी ले लिए थे उसके बाद भी हम कंफर्म नहीं थे कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन मौसी बहुत जिद की है कि नहीं आना है, तो इसी वजह से हम आज निकलेंगे घर। ये आईना मैं इसलिए रखी हूँ क्योंकि ये चुकंदर का कच्चा वाला चुकंदर का रस है और इसको हम बॉयल करके पी लेते हैं। वीक में हम दो बार ऐसा करते हैं और ये आईना से देख के इसे लगाएंगे क्योंकि फटाफट खाना बनाते वक्त लगा भी लो और सूख भी जाए और उसके बाद हमको नहाने भी जाना है। जरूरी नहीं है कि आप महंगे महंगे क्रीम लगाएं। किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट है, बहुत हल्दी हो गया, कोई भी फ्रूट्स का रस मुंह में लगा सकते हैं, संतरा का रस लगा सकते हैं, अभी हम लगा रहे हैं चुकंदर और अभी लग रहा होगा कि हम होली खेल रहे हैं, तो इसको लगा लेंगे, उसका सूखेगा तो जाएंगे फटाफट नहाने। हम नहा लिए हैं और आपको हम एक और बात बताते हैं, जब भी आप ड्रायर का यूज़ कीजिए तो अगर आपके बाल स्ट्रेट हैं तो हमेशा इस तरीके से हम लोग को ड्राई करना है। इससे बाल ना इस तरीके से मतलब एकदम स्ट्रेट रहता है, ऐसा हमको भी पता नहीं था लेकिन पार्लर में गए थे तो वो बता रही थी। जल्दी से खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद बैग भी पैक करना है। तो ये देखिए रोटी, मटर आलू की सब्ज़ी और ये हम टमाटर धनिया का चटनी बनाए थे, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो फटाफट हम खा लेते हैं उसके बाद हम बैग पैक करके निकलेंगे। मैंने सब बैग पैक कर लिया और ना जाते हुए पता नहीं कैसे हो गया, इसमें तो एकदम लहंगा ही है मेरा और इसमें कुछ सामान है, तो चलते हैं घर, ऑलरेडी लेट हो ही जाता है। कितना भी सोचो ना कि जल्दी चलो पता नहीं हम क्या करते रहते हैं कि लेट हो जाता है। जस्ट आए हम घर, मम्मी बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, हमको डाइटिंग वाइटिंग की है क्या? देखिए कितनी अच्छी लग रही है मम्मी, हेलो बोल दीजिए इतने दिन बाद मिले। हेलो ये मेरा खातिरदारी में है कि ये मेरा खाते तारी के लिए चूड़ा लाई होगी, पहले से ही प्लानिंग था तुम लोग का, मतलब ये मेरे लिए नहीं है। अच्छा उसको पता था इसलिए वो फ्राई कर रही थी। और ये छोटू, हेलो छोटू, हेलो बोलो। हेलो गाइस, ये कहाँ का प्रसाद दिया इतनी इतना थोड़ा सा प्रसाद ही किसके लिए रखा है, कहाँ कोई मन्नत उन्नत पूरा हुआ था क्या? अरे वाह, तो ये मेरे लिए छोटा सा थोड़ा सा प्रसाद ही रखा है, लेकिन थोड़ा हो प्रसाद होता है। थैंक यू छोटू प्रसाद रखने के लिए। तो अपना अपना मोमोज खाने में बिजी है। छोटू तुम मोमोज नहीं खा रहा है? और ये यहाँ पे मेरा मोमोज निकाल के रखा हुआ है चटनी के साथ, अभी हमको भी खाना है, पहले हम चेंज कर लेते हैं। तो ये मिलिए खुशी से, खुशी हेलो करो। हाय। और ये मेहंदी लगा रही है, क्या कर रही हो तुम हाथ में? मेहंदी लगा रही हूं। एक पापा का नाम लिखी हो? यस। ये है पापा की पड़ी। पड़ी नहीं हूँ मैं, रानी हूँ। अच्छा पड़ी नहीं, रानी हो तुम? यस। और इसके पापा का नाम है रवि, तो ये देखिए हाथ में रवि लिख रही है। खाना पीना हो गया है, एक्चुअली सबका खाना पीना हो गया है और हम आ गए हैं ऊपर सोने, ऊपर वाले रूम में। ये गुल्लू फोन देख रही है, हेलो तो बोल दो। और इधर चुलबुल भी, हाँ सब कोई अपने अपने फोन में व्यस्त है। और ये आंटी भी सोने की तैयारी में लगी हुई है। आंटी गुड नाइट। गुड नाइट।
अब जब सब लोग गुड नाइट बोल ही दिए हैं तो मैं भी गुड नाइट बोल देती हूँ। और अब टाइम भी ओवर हो गया है, 11:30 बज रहा है, तो हम लोग सोएंगे। अभी सोएगा तो कोई नहीं, सब अपने अपने फ़ोन पे व्यस्त है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।